राजा अज्ञानी तो हर और बेईमानी। कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर एक अनपढ़ एवं नितांत झूठे इंसान पर पैसे लगा, खबरिया चैनल खरीदे, अखबार खरीदे और उसकी ब्रांडिंग कर दी, प्रधानमंत्री बना डाला। फिर उस नौकर ने पहले तो खुद के ऐश के सारे उपाय किए, शानदार डिजाइनर कपड़े, हर लग्जरी सामान, दुनिया की शानदार कारें, खुद के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन हवाई जहाज आदि ही आदि। फिर चालू हुआ मालिक के नमक का हक अदा करना, देश की बेशकीमती संपत्ति अपने मालिकों के हवाले करना शुरू कर दिया, मालिकों के कमाई के लिए महंगाई पर लगाम छोड़ दी, जनता को धर्म जाति में उलझा दिया ताकि वो सवाल ना कर पाए, आराम से जी रही जनता को ऐसा परेशान कर डाला कि वो बस कैसे भी जिंदगी बची रहे वाली जद्दोजहद में फंसी रही। सत्ता पर सवाल ना करे और हाँ, एक बड़ी संख्या में नफरत पाले जाहिलों की फौज और अपनी छतरी के नीचे पनाह दे दी, जो उसके हर नाकाबिलियत को अपने बेशर्म पुतुल से सही साबित करने के लिए तैयार बैठे हैं। देश आज ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां अपना हक मांगना आपको देशद्रोही बना सकता है। मुबारक हो हिंदुस्तानियों, आप फिर से गुलाम बन चुके हो।